हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ गाइस। ये जो आपका सेशन है या जो टॉपिक है वो टच पैड से रिलेटेड है। यहाँ हम जानेंगे टॉप 10 हैक्स जो कि काफी यूजफुल होने वाला है। अब गाइज, आप ये सोचेंगे कि ये जो हैक्स आपके लिए लाया जा रहा है या जो वीडियो आपके लिए ये लाया गया है, इसमें क्या प्रॉफिट है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे कई सारे सिस्टम होते हैं गाइज जिसमें लेफ्ट और राइट बटन नहीं पाया जाता। उस कंडीशन में भी आपको सिस्टम पे काम करना है। अब अगर बटन नहीं है तो ऐसा कौन सा वे हो सकता है जिससे हम अपने सिस्टम पे स्मार्टली वर्क कर सकें, अट्रैक्टिव लग सके हमारा काम करने का तरीका और हमारा काम भी हो जाए? तो वही कहते हैं, एक तीर से दो निशाने। यहाँ आपका काम भी हो जाएगा और सामने जो भी आपका इंसान देख रहा है आपको एक्सेस करते हुए सिस्टम, काफी अट्रैक्टिव भी फील करेगा आपके प्रति, क्योंकि ये काफी मजेदार होने वाला है और काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। तो यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, कहीं नहीं जाना है, आपको जानना है टॉप 10 टचपैड हैक्स और काफी इंजॉय भी करना है और यूज भी करना है उसके साथ साथ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला हैक्स। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहला हैक्स बताऊंगी जूम करने के लिए, विदाउट लेफ्ट एंड राइट क्लिक, विदाउट यूजिंग यानी कीबोर्ड। आप यहां जानेंगे कि बिना टच पैड के आप कैसे वर्क कर सकते हो। गाइस, बिना लेफ्ट राइट बटन के आप टच पैड के मदद से कैसे यूज कर पा रहे हैं, कोई भी पेज आप कैसे जूम इन जूम आउट कर पा रहे हैं, जानने वाले हैं वो। तो देखेंगे गाइस, मान लीजिए यहां हमने कीबोर्ड डाला आपको दिखाने के लिए, कुछ भी हम सर्च करेंगे अपने पेज पे, मान लीजिए हमने इंटर कर दिया, आपकी स्क्रीन ओपन है और आपको अब इसको जूम करना है बिना किसी ऑप्शन की सहायता से। यहां जैसे हम ऑप्शन देख पाते हैं, यहां हम जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, लेकिन हमें इसका यूज नहीं चाहिए। हम बिना लेफ्ट राइट बटन के या बिना ऑप्शन को एक्सेस किए हुए हमें इसको जूम करना है। तो सिंपली गाइज, आप इसको स्क्रीन पर, आप टच पैड की सहायता से आप इसको देख रहे हैं जूम, हम कितना जूम इन कर रहे हैं, और यहां से आप जूम आउट भी कर सकते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम जूम आउट भी कर दिए हैं। देखिए कि कितना ज्यादा जूम आउट हम कर सकते हैं, 25% गाइज मैंने कर दिया है। तो टच पैड की सहायता से आप कितना इजिली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं बिना लेफ्ट राइट बटन के, विदाउट एनी ऑप्शन के आप कितना इजिली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो है ना ये बिंदास का आपका हैक। तो कितना मजा आया इसको जानने में, कितना अट्रैक्टिव भी फील हुआ गाइज आपने जैसा कि देखा होगा। तो ये था आपका पहला हैक जो आपको मैंने बताया कि बिना लेफ्ट राइट क्लिक के या बिना किसी ऑप्शन के आपने कैसे इसको क्या किया है, जूम इन जूम आउट किया है टच पैड की सहायता से। अब गाइज, मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉपर्टीज देखनी है, या मैं पहले बोलूं आपको जो दूसरा आपका हैक है, आपको स्क्रॉल करना है पेज को। गाइज, मैं यहां रूलर नहीं करना चाहती, मैं रूलर को ऐसे अप डाउन नहीं करना चाहती, मैं विदाउट रूलर के पेज को स्क्रॉल करना चाहती हूँ और ना ही मैं लेफ्ट राइट क्लिक करना चाहती हूँ। तो ये दूसरा बड़ा मजेदार हैक है। तो आप क्या करेंगे गाइज, आप दो फिंगर को अपने लेंगे, मतलब दो फिंगर का आपका यूज होगा और आप वहां पे जाएंगे हम और इसको अप डाउन करेंगे। देख रहे हैं गाइज देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, क्लिक भी नहीं करना गाइज, आपको सिंपली दो फिंगर लेना है टच पैड पे, आपको ऐसे अप डाउन करना है। देख रहे हैं कितना इजीली हम क्या कर पा रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने किया है गाइज टच पैड की यूज से, मैंने किसी बटन का यूज यहाँ पे नहीं किया है, और देखिए कितना इजिली हम एक्सेस भी इसको कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा ये भी जानने में कि बिना बटन और बिना ऑप्शन का यूज, बिना रूलर का यूज किए हुए कैसे हमने अपने पेज को अप एंड डाउन किया या स्क्रॉल किया। तो है ना ये भी बिंदास का आपका हैक। अब तीसरा देखते हैं गाइस, राइट क्लिक, यानी कि आप चाहते हैं कि वही, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज देखनी हो या आपको राइट क्लिक का यूज करना हो ऑप्शंस के सारे, तो आपको राइट क्लिक ऑब्वियसली करना ही करना पड़ता है। और यहां अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमको राइट क्लिक आना भी चाहिए, हमको कोई भी बटन का यूज नहीं करना है माउस के, या आपके मान लीजिए टच पैड में आपका क्लिक है ही नहीं, लेफ्ट राइट क्लिक है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको काम कैसे करना है? तो सिंपली आप क्या करेंगे, एट वंस आप करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे गाइस। देखिए जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, ये देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये जो प्रॉपर्टी वाला एरिया है, या मैं बोलू राइट क्लिक का जो भी ऑप्शन यहाँ पे एक्सेस होता है गाइस, वो आगे पूछ चुका है। तो गाइज यहां पर आ चुका है। अब मैंने किया कैसे, एक बार फिर से देख ले, मैंने दो फिंगर लिया गाइज और मैंने टच पैड पे एक ही बार क्लिक कर दिया, मतलब दो फिंगर का यूज करके टच पैड पर एक बार मैंने क्लिक किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो भी राइट क्लिक से जो भी ऑप्शन आप एक्सेस करते हैं, आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं उसको।
गाइस मान लीजिए मैंने यहाँ एक वर्ड पैड का एप्लीकेशन ओपन कर दिया है, आप देख पा रहे हैं हमारे पास इस समय दो एप्लीकेशन हो गए, इसको मैं हटा दे रही हूँ गाइस। यहाँ पे हमने गूगल क्रोम भी ओपन कर रखा है और हमारा यहाँ वर्ड पैड भी ओपन है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें स्क्रॉल करना है, क्या कैसे हम डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं अपने दूसरे विंडो पे, या मैं बोलूँ दूसरे पेज पे कैसे हम दूसरे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे तो क्या करना है गाइज, आपको फिंगर की सहायता से तीन यानी कि थ्री फिंगर गाइज आपको लेना है और माउस पैड पे लेफ्ट या राइट आपको स्क्रॉल करना है। आप देख पा रहे हैं ये देखिए मेरा ये भी ओपन हो गया, ये भी वर्ड पैड भी ओपन हो गया और मैं अगेन आप अपने गूगल पर भी जा सकते हैं गाइज। देख पा रहे हैं यहाँ पे देखेंगे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे मैं देख लीजिए मैं बारी बारी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और मुझे यहाँ जाना है कहीं भी गाइज, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे जा सकते हैं। देख रहे हैं ये हो गया मेरा, आपने काफी अच्छे से देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा कि कैसे मैंने किया है। ये देखिए फिर से मैं करके दिखा दूं आपको, देख रहे हैं मैंने सिर्फ थ्री फिंगर का यूज किया है गाइज। ये देखिए मैं गूगल क्रोम पे मैंने अगेन किया और ये आपका आ गया है। तो कितना अच्छा है गाइज, आपने देखा होगा कितना बढ़िया से मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे मैंने एक्सेस कराया है। तो गाइस अब चलते हैं प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। मैंने वर्ड पैड का यहाँ ओपन कर रखा है और मेरा एक ये विंडो ओपन है जो कि गूगल क्रोम का है और मुझे अब क्या करना है, डायरेक्टली जंप करना है वर्ड पैड पे। यानी कि दो या दो से अधिक आपने अगर एप्लीकेशन ओपन कर रखा है और अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है विदाउट यूजिंग आपका क्लिक एंड एनी ऑप्शन, तो आप कैसे जाएंगे गाइज, आप तीन फिंगर का यूज करेंगे यानी कि थ्री फिंगर का यूज मिलाएंगे और टच पैड पे आप कुछ लेफ्ट और राइट क्लिक मतलब स्क्रॉल करेंगे गाइज। तो मैं देखिए मैंने ये देखिए मैं डायरेक्टली यहां पहुंच गई, फिर मैंने थ्री फिंगर लिया और मैं देखो देखिए आप डायरेक्टली कैसे मैं इसको एक्सेस कर पा रही हूँ, देख रहे हैं आप मैंने क्लिक भी नहीं किया और मैंने स्क्रॉल से ही लेफ्ट राइट स्क्रॉल वो भी थ्री फिंगर का यूज करके टच पैड पे मैंने कैसे एप्लीकेशन को एक्सेस किया या मैंने कैसे अदर एप्लीकेशन पे जंप किया। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और अब तक आपने लाइक तो जरूर ही कर दिया होगा, क्योंकि गाइज इतना मेहनत इतना डेडिकेशन आपके लिए करना पड़ता है, इतने गजब गजब के फैक्ट लेके आए हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाए कंप्यूटर के साथ, तो आपने तो एक लाइक करना ही करना है और आपने कर भी दिया होगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं गाइज, मान लीजिए आपने कई सारे फिर से मैं बताऊं मान लीजिए आपने कई सारे एप्लीकेशन यहाँ पे मैं ओपन कर देती हूँ, कई सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, एक और एप्लीकेशन ओपन कर दूं। देखिए ये मेरा तीन एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, एक मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, मैंने किया वर्ड पैड और नोट पैड। आप चाहते हैं कि इसको बिना यहाँ मिनिमाइज पे क्लिक किए हुए या बिना शॉर्टकट की के हम क्या करें सारे के सारे एक साथ मिनिमाइज कर दें, तो आपको क्या करना है उसके लिए आपको वही थ्री फिंगर का यूज करना है और आपको क्या करना है टच पैड पे डाउन साइड मीन्स आपको स्क्रॉल करना है। तो मैंने इसको किया, देखिए आप सारा क्या हो गया अपना मिनिमाइज हो गया। फिर से अगेन अगर मुझे उसकी जरूरत है तो मैं क्या करूंगी वही स्क्रॉल करूंगी अपने थ्री फिंगर को, लेकिन क्या करूंगी ऊपर की साइड करूंगी टच पैड पे, ये देखिए फिर से आ गया। तो है ना ये बिंदास का हैक आपका मजेदार एकदम, तो आपका यहाँ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों हो गया। गाइस मेरा अगला हैक्स है नोटिफिकेशन पैनल। गाइस जब भी आपको नोटिफिकेशन पैनल देखना है तो आप क्या करेंगे टैप बाई फोर फिंगर, यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है चार फिंगर आपको टच पैड पे एक साथ क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन पैनल ऑन हो चुका है, आप अब इसमें कुछ भी जो भी आपका नोटिफिकेशन हो आप देख सकते हैं। तो ये भी है बड़ा ही गजब आपका जो हैक है, काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। अब एक चीज और लास्ट जो बचा आपका सबसे लास्ट और सबसे बिंदास, आप देखेंगे सर्च पैनल, यानी कि जब भी आपको सर्च पैनल ओपन करना हो तो आपको कहीं इधर उधर माउस क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली अपने टच पैड की सहायता से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको थ्री फिंगर लेना है और वही टच पैड पर क्लिक कर देना है। देख रहे हैं आपका सर्च बॉक्स ओपन हो गया। तो गाइज है ना ये सारा कमाल का, मजा आया होगा काफी आपको जानते हुए और ये सारा जानने के बाद आप यूज भी करेंगे और ये वीडियो तो शेयर तो करना ही है आपको, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अब गाइज मैं इतना कहूंगी कि अगर आपको इन सब में कोई ऐसा जो फैक्ट ना समझ में आया हो वो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और हम लोग उसका आपको आंसर देंगे, आप वो सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगी गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।